इसके पहले हमने लेक्चर में बात किया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि अज़ीमथ क्या होता है। अज़ीमथ का डेफिनेशन दिया है, अज़ीमथ इज द एंगल एट द जेनिथ, जेनिथ एंगल एट द जेनिथ और आर्क ऑफ रैशनल होराइजन कंटेन बिटवीन हिज सेलेस्टियल मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी। अब इसमें कुछ कुछ जो कैच है, जैसे जेनिथ क्या होता है, रैशनल होराइजन क्या है, सेलेस्टियल मेरिडियन क्या है और वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, ये कौन सा पॉइंट है। जेनिथ क्या होता है, अर्थ के सेंटर से जो लाइन आएगी, इमेजिनरी लाइन अर्थ के सेंटर से निकल के आपके बॉडी से पास होके जो इमेजिनरी स्पीयर है, इमेजिनरी जो सेलेस्टियल स्पीयर है वहाँ पर जहाँ पर टच करेगी वो जो पॉइंट होगा उसे बोलेंगे जेनिथ। ठीक है, जेनिथ क्लियर हो गया। जेनिथ मतलब आपके ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है सेलेस्टियल स्पीयर पे, सेलेस्टियल स्पीयर से अगर आप नीचे ऑब्जर्वर का देखते हो और सेम लाइन में अगर अर्थ का सेंटर है तो वो पॉइंट को बोलेंगे जेनिथ, जेनिथ। ठीक है, आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन, रैशनल होराइजन क्या होता है, जेनिथ से 90 डिग्री, जेनिथ से 90 डिग्री जो भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट को हम लोग अगर ज्वाइंट करते हैं तो उसे बोलते हैं रैशनल होराइजन। ये जेनिथ है, जेनिथ से 90 डिग्री, ये जेनिथ है, जेनिथ से 90 डिग्री, यहाँ पर सारे जो 90 डिग्री पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो एक सर्कल बनेगा। वो जो सर्कल रहेगा 90 डिग्री अवे फ्रॉम जेनिथ, जो भी सर्कल बनेगा उसे बोलते हैं रैशनल होराइजन। ओके, सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन क्या है कि सेलेस्टियल स्पीयर पे जो सेलेस्टियल नॉर्थ है और सेलेस्टियल साउथ है, मतलब आपका जो ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ का जो प्रोजेक्शन रहेगा, ट्रू नॉर्थ का जो प्रोजेक्शन रहेगा, मतलब अभी देखो अर्थ के सेंटर से एक लाइन निकला, ऑब्जर्वर से पास होकर सेलेस्टियल स्पीयर को टच किया, तो सेलेस्टियल स्पीयर को जहां पर टच किया उसे बोलेंगे जेनिथ। ठीक है, जेनिथ क्लियर हो गया। अभी अर्थ के सेंटर से एक लाइन निकली, आपका जो अर्थ का नॉर्थ है ट्रू नॉर्थ, वो ट्रू नॉर्थ से पास होके सेलेस्टियल स्पीयर को जहां पर टच किया उसे बोलेंगे सेलेस्टियल नॉर्थ। ओके, दूसरा हो गया। अभी अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन निकली, अर्थ के ट्रू साउथ से पास होके वो लाइन जहां पर सेलेस्टियल स्पीयर को टच करेगी उसे बोलेंगे सेलेस्टियल साउथ पोल। ओके, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल क्लियर हो गया, सेलेस्टियल साउथ पोल क्लियर हो गया और जेनिथ क्लियर हो गया। ओके, तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल को अर्थ सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ है उसे जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। करेक्ट, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं हम लोग मेरिडियन। तो सेम चीज़ है, सेलेस्टियल नॉर्थ और सेलेस्टियल साउथ, जो सेलेस्टियल स्पीयर पे जो नॉर्थ एंड साउथ है, सेलेस्टियल नॉर्थ और सेलेस्टियल साउथ को जो लाइन टच करेगी उसे बोलेंगे सेलेस्टियल मेरिडियन। मतलब सेलेस्टियल मेरिडियन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ट्रू मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन का जो प्रोजेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे सेलेस्टियल मेरिडियन, नॉर्थ का जो प्रोजेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे सेलेस्टियल नॉर्थ और ऑब्जर्वर का जो प्रोजेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे जेनिथ। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया। अभी जेनिथ क्लियर हो गया, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। रैशनल होराइजन क्लियर हो गया, रैशनल होराइजन मतलब जेनिथ से 90 डिग्री जो भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट को अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो वो रैशनल होराइजन बनेगा। ठीक है, कंटेन बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन क्लियर हो गया, सेलेस्टियल मेरिडियन मतलब सेलेस्टियल नॉर्थ और सेलेस्टियल साउथ को जो लाइन टच करती है, कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं सेलेस्टियल मेरिडियन। वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल सर्कल मतलब जैसे सेलेस्टियल मेरिडियंस था, सेलेस्टियल मेरिडियंस थी, सेलेस्टियल मेरिडियन सेलेस्टियल नॉर्थ और सेलेस्टियल साउथ को जो लाइन टच करती थी उसको बोलते थे सेलेस्टियल मेरिडियन। सेम जेनिथ से जो लाइन निकलेगी, जेनिथ और नादिर, जेनिथ और नादिर को जो लाइन टच करेगी, नादिर ये पॉइंट है जेनिथ से 180 डिग्री अवे। ठीक है, जेनिथ से 180 डिग्री जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे नादिर। ठीक है, जेनिथ और नादिर को जो लाइंस टच करेंगे उसे बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल जेनिथ और नादिर को जो लाइन टच करेगी उसे बोलेंगे वर्टिकल सर्कल, और आपके सेलेस्टियल नॉर्थ और सेलेस्टियल साउथ को जो लाइन टच करेगी उसे बोलेंगे सेलेस्टियल मेरिडियन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ से जो लाइन जाएगी उसे बोलेंगे सेलेस्टियल मेरिडियन, और आपके जेनिथ से जो पॉइंट जो लाइंस जाएंगे उसे बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। ओके, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ठीक से। ठीक है, एंगल एट द जेनिथ,
एंगल एट द जेनिथ आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन का आर्क, ये रैशनल होराइजन है उसका आर्क, ये जेनिथ, एंगल एट द जेनिथ, आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन कंटेन बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन, मतलब नॉर्थ और साउथ वाला लाइन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ वाला लाइन कंटेन बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन एंड वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, मतलब जेनिथ से जो भी लाइन जाते हैं, जो लाइन बॉडी से पास हो रहा है, मतलब ए वाला लाइन देखो, ए वाला जो लाइन है, ये लाइन बॉडी से पास हो रहा है, ये बॉडी का पाथ है ये वाला, और बॉडी जब यहां पर है तो बॉडी से जेनिथ का जो वर्टिकल सर्कल पास हो रहा है वो यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, एंगल बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन कौन सा हो गया, ये हो गया, देखो नॉर्थ और साउथ वाला लाइन हो गया, ठीक है, एंगल बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी और आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन, मतलब ये वाला आर्क हो गया और ये दो लाइन के बीच का एंगल, ये जो लाइन है, ये दो लाइन के बीच का एंगल, तो ये दो लाइन के बीच का एंगल जो भी है उसे बोलेंगे अज़ीमथ, ठीक है। वही बोला एंगल एट द जेनिथ, एंगल एट द जेनिथ आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन कंटेन बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन मतलब नॉर्थ और साउथ को जो लाइन टच करेगी, सेलेस्टियल मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, ये जो दोनों का बीच का जो एंगल है उसे बोलेंगे अज़ीमथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड कभी मेजर किया था, जब ये बॉडी आपकी रैशनल होराइजन पे थी, एम्पलीट्यूड अलग चीज है, और एम्पलीट्यूड का एंगल जो मेजर किया था, एम्पलीट्यूड का एंगल मेजर किया था प्राइम वर्टिकल सर्कल और वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, व्हेन, जब आपकी बॉडी रैशनल होराइजन पे रहेगी तभी, ठीक है। अभी अज़ीमथ में आपकी बॉडी रैशनल होराइजन पे नहीं है, वो रैशनल होराइजन से निकल के अपने पाथ पर है, ठीक है। जब वो बॉडी रैशनल होराइजन से निकल जाती है तो उसका अज़ीमथ मेजर किया जाता है, और जब वो बॉडी रैशनल होराइजन पे, रैशनल होराइजन मतलब यहाँ पर, जब वो बॉडी रैशनल होराइजन पे रहेगी तब उसका एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है। एम्पलीट्यूड का एंगल ये वाला होता है, ये प्राइम वर्टिकल सर्कल और वर्टिकल सर्कल पासिंग टू द बॉडी, ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा प्राइम वर्टिकल सर्कल, सॉरी एम्पलीट्यूड का एंगल, और अज़ीमथ का एंगल किन दोनों के बीच में, अज़ीमथ का एंगल है आपका सेलेस्टियल मेरिडियन और वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, दोनों अलग चीजें, देख ध्यान से देखना, अज़ीमथ आपका वर्ट सेलेस्टियल मेरिडियन से पास होता मेजर किया जाता है, और एम्पलीट्यूड प्राइम वर्टिकल सर्कल से मेजर किया जाता है। तो आपको अज़ीमथ का डेफिनेशन क्लियर हो गया, एंगल एट द जेनिथ, आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन, मेजर बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन, नॉर्थ और साउथ से जो लाइन पास हो रही है, मेजर बिटवीन सेलेस्टियल मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग टू द बॉडी। वर्टिकल सर्कल क्यों बोला इसको, क्योंकि ये जेनिथ से पास हो रहा है।